कैसे दलदला और मलबा पानी देखिए किस तरह जा रहा है नीचे की ओर। सो गाइस सबको मेरी ओर से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह होते होते यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिखा, पूरी चारों ओर से जो सड़क वगैरह सारा कुछ गिर चुका नीचे को। तो मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए कुछ ऐसे हालात हो चुकी है, लोगों की खेतों तक सारा मलबा गिर चुका ऊपर से नीचे तक। तो हम आगे बताते हैं आपको कि क्या क्या सीन रहता है आगे। कुछ इस प्रकार का व्यू देखिए लोगों के घर के नीचे से कैसे मलबा जा रहा है, और इधर से देखिए कुछ इस तरह से पूरी ओर से मलबा गिरने की हालात पे आ चुके हैं सारा कुछ। देखिए यहाँ पे पीछे की ओर आप देख सकते हो, उधर भी थोड़ा बहुत मलबा गिर चुका है। तो आगे जाके यही बताते हैं आपको, पूरा पेड़ ऊपर से नीचे आ चुका है। और इधर देखिए ये सब हालात है हमारे इधर पहाड़ों में। देखिए ये पेड़ तो बिल्कुल आने वाला ही है, उधर वाला पेड़ को देखिए, ये तो बिल्कुल आ चुका है पूरा ऊपर से। आज का दिन बहुत ही बेकार गया और जाएगा। उधर वाला पेड़ देखिए, इधर वाला तो उतना आया नहीं है, पर इधर वाला देखिए ये तो बिल्कुल पूरा ही नीचे आ चुका है। कुछ इस प्रकार से हम जा रहे हैं आगे, और इधर देखिए सड़क के नीचे की ओर ये हालात है, और सामने की ओर देखिए सारे लोग इधर से देख रहे हैं, लोगों का घर नीचे है, ऊपर से पूरी ये आ रहा है। तो भूस्खलन हो चुका है इधर, मामू जी भी उधर से सामने से आ रहे हैं, यह भी देख रहे गए थे कि आगे क्या क्या फंदा हुआ है इस कारण। आगे आप देख सकते हैं नीचे देखो लोगों का घर है, यह देख रहे हैं कि ऊपर से और ये मलबा तो नहीं गिरेगा नीचे को, कहीं इधर से जाना तो नहीं पड़ेगा इनको। तो देखिए इधर सड़क के बीच में हालात, और लोगों का घर नीचे, और इधर देखिए घर के पीछे कैसे पूरा मलबा ऊपर से आया, और बीच में देखिए पानी कैसे जा रहा है इधर से एक मात्र सहारा था जिससे हम दुकान का सामान लाते थे, और वही पूरा खत्म हो चुका है नीचे की ओर। और इधर देखिए कैसे दलदला और मलबा पानी देखिए किस तरह जा रहा है नीचे की ओर। और बाकी आप देख ही सकते कि ये ऊपर रोड की वजह से, सड़क खुला करने की वजह से कितना हादसा हो चुका है हमारे जुलाग में। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, और आगे भी देख सकते हैं आप, हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि आगे बहुत ही डर लग रहा है जाने के लिए, क्योंकि ऊपर से पूरी धार आ सकती है नीचे को। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको। इस ऐसे हालात है हमारे गांव की, तो आप देख सकते हो कि रोड की वजह से कितना नुकसान हुआ और कितना नहीं। ये मेरी बुआ का लड़का, आज मैं इसके घर ही रहा था क्योंकि रात में बारिश ज़्यादा होने के कारण वो पानी, नालों में पानी बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए मैं घर नहीं गया। और घर की फुटेज भी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। रात को बारिश ज़्यादा होने की वजह से हमारे इधर लाइट चली गई थी, मेरे मोबाइल में जितनी बैटरी बची थी मैंने उससे एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया और उसको एडिट करके रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर के सामने कितना मलबा गिर रहा है, और आप इस साइड देख ही सकते हैं कि हमारे घर के सामने कितना ज़्यादा मलबा गिर रहा है। तो इसकी जानकारी मैं आपको अगले ब्लॉग में दूंगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।